सुप्री ने मेरी बेटी जो समझ नहीं पा रही कि वो अपने आप को किस जाल में फंसा रही है। अफसोस कि मैं अपनी बेटी को इस जाल से निकाल नहीं पा रहा। सुभद्रा का नीला छुपा के लगा था कि मारो टल जाएगा लट, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। हे भगवान, कोई तो ऐसा मिरेकल कर दो कि मैं अपनी बेटी को वापस मुंबई ले जाऊं। प्लीज प्लीज भगवान, इस कबाड़खाने से मेरी बेटी को बचाओ, प्लीज प्लीज। अरे का हुआ है? आप इतना घबरा काहे गए? मुंबई के लोग इतने डरपोक होते हैं का? नहीं नहीं, मैं डरा नहीं। एक्चुअली वो अचानक आप लोगों को सामने देखा तो अब anyway, आप लोग खुश तो बहुत होंगे। वो छोड़िए, आप बताइए आप इतने परेशान काहे? आपकी बीबी की तबीयत खराब हो गई इसलिए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब तो होता रहता है। माने हम तो इतना टेंशन आ गए थे कि पता नहीं बहन जी को क्या होएगा, है कनो अनहोनी ना हो जाए, और आप कह रहे हैं होता ही रहता है, है? अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत नहीं करते का? या कोनो फर्क नहीं पड़ता? क्या मैं आपको हर बात बताऊं कि मुझे किस बात से फर्क पड़ता है, किस चीज से नहीं? अरे भाई साहब, आप यहाँ छत पे धुएं से अपने फेफड़े चलाएंगे तो हमें फिकर नहीं होगी, इसलिए पूछ ली। जिस इंसान का सपना जल रहा होता है ना, वो अपने सपने के यूं जलता हुआ तो नहीं देख सकता है ना। बट मैं कर भी क्या सकता हूँ। anyway, आप तो जानती है ना कि मुझे ये शादी पसंद नहीं है। लो, अब क्या होएगा बा? आपका एक ही बात मैं आपको बार बार समझाऊं कि मुझे आप लोग और आप लोगों के रहन सहन, आप लोगों की सोच, आप लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमको भी आपके तौर तरीके पसंद नहीं ना? हम तो सिर्फ ध्रुव की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। है शीतल जी, हमें लगता था ये ध्रुव हमारे घर का सबसे होशियार बच्चा है, इतनी दुनिया भर की पढ़ाई करके आया है, पर उससे ज्यादा तेज तो वो 13वीं क्लास पास हमारा धीरज निकला। यहाँ लोकल में जहाँ हमने तय किया वहीं शादी कर ली। हमारे बहन सहन हमारे तौर तरीके की लड़की है, ऐसी बीवी मिली है हमारे बड़े बेटे को। हम बता रहे हैं, अंकिता की वजह से हमारे घर में एक को दिन कोनो कलेश नहीं हुआ। और इनकी सोनम जब से हमारे घर में आई है, ऐसा लगता है हमारा घर अखाड़ा बन गया है। मेरी बेटी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। भाई कहीं नहीं बोलेंगे, आप लोग रिस्पॉन्सिबल थे। क्या बोल रही है? आप लोगों ने क्या ये था? टाइम टाइम प्लीज, क्या हो रहा है ये? हम आप लोगों को यहाँ लड़ाने के लिए नहीं, मिलाने के लिए लाए हैं। हम दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो हार जाएंगे और सारी जिंदगी एक दूसरे के रहन सहन को कोसने में बिता देंगे। आप दोनों की लड़ाई एक ही है, तो आप दोनों अपनी लड़ाई को मिलाकर एक कर लीजिए, फिर आप जीतेंगे। का मतलब? अरे देखिए, आप दोनों लोगों को एक दूसरे का रहन सहन पसंद नहीं, आप दोनों नहीं चाहते कि आपके बच्चों की शादी हो। हाँ। लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं सकते, काहे कि जो लोग शादी के पक्ष में हैं, जो लोग चाहते हैं कि शादी हो, वो लोग मजबूत हैं, उनका बहुमत है। तो आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें और अपनी लड़ाई को साथ में लड़ें, कोशिश करें कि ये शादी ना हो, तब ये शादी नहीं होगी। जब लड़का लड़की, लड़की की माँ और लड़के का बाप चाहते हैं कि शादी हो, तो हम मिलकर भी क्या कर सकते हैं? तो फिर अब शादी के लिए ज्यादा दिन भी तो नहीं बचे, परसों ही शादी है, हल्दी भी हो गई, अब क्या कर सकते हैं? अब तो कोई सुनामी या भूकंप आए और तहस नहस हो जाए, या फिर कोई मर मुरा जाए, तो कुछ हो सकता है। जैसे आपकी बीवी मरने वाली थी। क्या मजाक है? कोनो बात नहीं, हम कोनो मरने मारने की बात नहीं करने वाले। का है ना, हमारी भौजी को वायलेंस पसंद नहीं है। का? वायलेंस, हिंसा। हाँ, नहीं, नहीं। हाँ, हमारी भौजी को हिंसा पसंद नहीं है, और फिर उससे कछु होगा भी नहीं। तो फिर क्या करने से होगा? प्लान करने से होगा। प्लान?
कैसा प्लान? ऐसा प्लान कि ध्रुव की शादी हो जाए और सोनम से भी ना हो, किसी और से हो जाए। किसी और से? किससे? मिल्की के साथ। मिल्की? अब वही लड़की ना, वो जो अभी हल्दी में आई थी। जी है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ध्रुव और सोनम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और वो किसी और के साथ शादी करने की सोच भी नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। अरे दूध, अनपॉसिबल शब्द तो हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। जब आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि शादी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। अरे हम तो कब से ठान के बैठे हैं, इन्हें समझाइए। भाई साहब, जब आपको ये रिश्ता, ये शादी पसंद ही नहीं थी तो काय सूटकेस फूट के उसाए वो मुंबई से यहाँ प्रयागराज चले आए। अरे तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? अरे हमने कहा हाँ करी। अरे अरे बस बस बस, आप दोनों अपने हाथ आगे कीजिए, दोनों हाथ मिलाइए और ये ठान लीजिए कि दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और ये शादी नहीं होने देंगे। लाइए हाथ आगे। ये? हाँ। हम ये नहीं कर सकते। पराए मर्द को छूने से तुम्हारे भैया के साथ नाइंसाफी होगी। अरे सत्यानाश, बाकी बिना हाथ मिलाए हम ये अपनी सहमति देते हैं कि ध्रुव की शादी हो पर इनकी सोनम से ना हो, मिल्की से हो। भाई साहब, ध्रुव और सोनम ये बात नहीं समझ पाएंगे। वो नहीं जानते कि उनकी भलाई काहे में है, पर हम समझते हैं। इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस प्लान में अपना सहयोग दीजिए, तभी हम अपने बच्चों को इस जंजाल से निकाल पाएंगे। मैं भी आपके साथ हूँ, हर कदम हर वक्त, जब भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बस आप मेरी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट मत होने दीजिए। अब बनी ना बात, एक तरफ लड़के की अम्मा और दूसरी तरफ लड़की का बाप। जब दोनों अपनी वक्र दृष्टि से लड़का और लड़की के प्रेम को देखेंगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि उनका प्रेम सक्सेस हो जाए। और बीच में मिल्की की सुमंगल दृष्टि का आगमन भी हो चुका है। अब हम वादा करते हैं कि ध्रुव की शादी सोनम से नहीं, मिल्की से ही होगी। लेकिन क्या मिल्की इसके लिए तैयार होगी? अरे तैयार होगी का, वो तो तैयार बैठी है और उसे तैयार करना हमारा काम है। बस आप दोनों अपनी जगह टिके रहना, बाकी काम हम कर लेंगे। ए मिल्की, ये छुपते छुपाते कहाँ खिसक रही है? बुआ, रस्में तो सारी हो गई है ना, हमारे यहाँ क्या काम? हम घर जा रहे हैं, हमें देर हो रही है, हमें देर हुई तो नहीं बिटिया, लेकिन अगर ऐसे ही अपना दुख अपने सीने में दबाए रहोगी तो देर जरूर हो जाएगी। बचपन से जानते हैं हम तुम्हें, हमसे नजरें मत चुराओ। कि तुम्हारी आंखों के आंसू देख के हम समझ गए हैं कि तुम काहे भाग रही है। बचपन में जब तुम्हें ध्रुव के साथ खेलते हुए देखते थे तब से हम जानते हैं कि तुम्हें ध्रुव कितना पसंद है। सुबह उसके साथ स्कूल जाने के लिए तुम रोज उसे घर पे लेने के लिए आती थी। कोई उसे छू भर देता था तो तुम मरने मारने पे उतर जाती थी। जब मास्टर ने उसे मारा था तो तुमने कितनी गालियां दी थी मास्टर को, गुंडा बदमाश जाने काका कहा था, तुम्हारे घर तक बात पहुंच गई थी, कितना बवाल हुआ था। वो तो खैर बचपन की बात थी, लेकिन जवानी की बात भी भौजी ने बताई है हमें कि जब ध्रुव MBA की पढ़ाई करने के लिए इस शहर से बाहर चला गया था तो 3 दिन तक तुमने खाना नहीं खाया था। बुआ जी, छोड़िए ना इन सब बातों को, क्या फायदा पुरानी बातें याद करके। अगर तुम हमें अपना मानती हो तो हमारी बात को टाल के जाओ मत। पता है बुआ जी, जब भी कोई हमसे पूछता है ना कि हमारा दूल्हा कैसा होगा, हमारे दिमाग में बस ध्रुव की इमेज आती है। और आज ध्रुव दूल्हा बनने जा रहा है और हम उसकी शादी में दूल्हा दुल्हन के गीत गाने के लिए आए हैं। मान लो कि ध्रुव की शादी सोनम की बजाय तुमसे हो जाए तो बुआ,
प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक मत करो। अरे हमें जो ठीक लग रहा है हम वही बोल रहे हैं, और ये बात जान लो कि कभी कभी मजाक में भी बिगड़ी बात बन जाती है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि ध्रुव के लिए तुम ही सही लड़की हो, और खाली हम ही नहीं, ध्रुव की अम्मा भी यही सोचती होंगी। तुम ऐसा करो, तुम आज से इसी घर में रुक जाओ। नाना, हम तुम्हारे कपड़े वगैरह सब बतासा को भेज के मंगवा लेंगे, और भौजी तुम्हारे घर में फोन करके बता देंगी कि तुम यहाँ रीति रिवाजों के लिए रुके हुए हो। बस बाकी सब कुछ तुम हम पे छोड़ दो। तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे प्रेम को पूर्ण करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है, बस तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हारी शादी ध्रुव से 100% करवा देंगे। बोलो क्या कहती हो? अरे सॉरी ब्रो, मैंने ना नोटिस नहीं किया। आप एक काम करो, आपको नींद आ रही होगी ना, तो मैं ये सब सामान हटा देता हूँ। आप नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं अंबर, तुम लगे रहो अपना काम करते रहो, हम ऐसे भी नीचे सोने वाले। नीचे मतलब हॉल में? अरे नहीं हॉल में नहीं भाई, नीचे जमीन पर चटाई बिछा कर। जमीन पर? अगर सोनम को मालूम पड़ा ना मैंने आपको आपके रूम में जमीन पर सुलाया, वो मेरे को बाथरूम में सुला देगी। नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कैसे पता चलेगा, तुम बताओगे तो पता चलेगा ना। तुम चुप बैठो, बोलो ही मत। अब तुम काम करो अपना। ये बाहर की हवा बयार है, पर तेरे आगमन से ये हवा भी बदल जाएगी। अरे हमारा ध्रुव प्रयागराजी है, पर प्रयागराजी इतनी आसानी से बदलते नहीं है। देखा कैसे जमीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसकी बीबी भी एकदम जमीन से जुड़ी हुई हो, वरना ऐसी हवा हवाई आ गई ना तो पूरे घर की भी और ध्रुव की सबकी हवा टाइट कर देगी। लेकिन जी ध्रुव। अरे लेकिन तू छोड़ दे, हम भी तेरी सारी ग्रह दशा बदल के रख देंगे, बस तू ध्रुव की दुल्हन बनने का मन बना ले। बुआ, ध्रुव की दुल्हन बनना तो बचपन से हमारे मन में था, किसी कमीने के दिल में कभी हम नहीं आ पाए। हम अब क्या करेंगी बुआ, वैसे भी उन दोनों की हल्दी तो हो चुकी है, पर शादी तो होना बाकी है। शादी होना बाकी है ना, तो बस वो शादी अब तेरे साथ ही होगी। बुआ आप एक बस स्ट्रीम दिखाती रहती है, कैसे होगी हमारी शादी? कैसे होगी, हम पे छोड़ देना, जब कह रहे तो छोड़ दे फिर। कहाँ सो रही है तू अभी? सोनम किस कमरे में सो रही है? क्यों, क्या करने का प्लान है? अच्छा, मौका मिलते ही उसका गलत दबा देने का प्लान है का? क्या बुआ, हम रुक क्या गए, आप तो बोल मारने लगी। हम तो बस ध्यान से देखना चाहते हैं उसे, कि आखिर उस शहरी लड़की में ध्रुव को दिखा क्या। अरे खाक दिखा, पट्टी बंदी है इसकी आंखों में। तपस्या? व्हाट तपस्या ब्रो? यही यार कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम जमीन पर सोएंगे। हमारी अम्मा कहती हैं कि अगर किसी काम का पूरा होने में बार बार विघ्न आए, बाधा आए, तो बिस्तर का सुख त्यागो और जमीन पर सो, सारी बाधा दूर हो जाती है। अब तुम देख ही रहे हो यार अंबर, पिछले 2 हफ्ते से रस्में कम हुई है, फसाद ज्यादा हुआ है घर में। हम बस चाहते हैं यार कि इतना करीब आके शादी पे कोई ब्रेकर ना लग जाए बस।